टू माई ट्यूब चैनल। गाइज आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो गाइज आपको बता दूं, जैसे कि बच्चों को इंतजार था बेसब्री का, वो चीज़ आ गई है। गाइज आपके बोर्ड एग्जाम की डेट शीट आ गई है, आपकी बोर्ड एग्जाम की डेट शीट 2023 आ चुकी है। गाइज अब मैं आपको अपनी पूरी वीडियो में बताने वाला हूँ फुल डेट शीट के साथ कि आपका एग्ज़ाम कब, कौन सी पाली में और किस टाइम होगा, कौन सी डेट को होगा, कितनी आपकी छुट्टियां हैं। ठीक है गाइज, तो आप पूरी वीडियो को पूरा वॉच करना, और स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दो, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी हिट करना, क्योंकि गाइज आपके बोर्ड से रिलेटेड हम सारी वीडियो लाते रहते हैं और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी चैनल पर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है गाइज, तो देखिए गाइज ये आपकी बोर्ड एग्जाम की डेट शीट है, और जिसके अकॉर्डिंग आपको बता दूँ आपके जो एग्जाम स्टार्ट होने हैं वह आपके एग्जाम फरवरी से नहीं, क्या कहा गया था, ये कहा गया था कि फरवरी के मिडिल से स्टार्ट होंगे। नहीं गाइज, अब आपके जो एग्जाम है फरवरी में स्टार्ट नहीं होंगे, आपके एग्जाम मार्च में स्टार्ट होंगे। ठीक है गाइज, तो देखिए आपको जो फर्स्ट पेपर है गाइज, देखिए ये आपकी डेट है, ठीक है, ये आपकी इंटरमीडिएट की है और ये आपके हाई स्कूल का है, यानी कि आपके एग्जाम कब होंगे। तो इस जैसे आपका फर्स्ट एग्जाम जो है वो 16 मार्च को होने वाला है, जो 16 मार्च है जो फर्स्ट पाली है वो कितनी होगी, 10 बजे से 1 बजे तक होगी। तो भाई जो इंटरमीडिएट है उनके फर्स्ट डे में हमारे कहाँ का है, एक तो हिंदी का है, और जो हमारा हाई स्कूल है, हाई स्कूल का हमारा 16 तारीख को कोई पेपर नहीं है। ठीक है, ओनली इंटरमीडिएट का कृषि और हिंदी का, जो हमारे क्या हिंदी के स्टूडेंट हैं। फिर आता है 17 में, जो हमारी 17 डेट है, 17 को गाइज हमारा इंटरमीडिएट का कोई पेपर नहीं है, और जो हमारी 10th है यानी कि जो 10th के बच्चे हैं उनका हिंदी का पेपर है। गाइज जो नेक्स्ट डेट है जो हमारे उसके बाद 18 है, 18 में क्या गाइज, 18 में जो हमारे इंटरमीडिएट के बच्चे हैं उनका भूगोल, भूवर्ग विज्ञान इनका पेपर रहेगा, और जो हमारे इंटर हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं उनका उर्दू, जो पंजाबी बच्चों पंजाबी लैंग्वेज है, जो बंगाली है उनका है, और जो 20 है यानी कि 19 की हमारी क्या है, 19 का हमारा हॉलीडे है, और फिर जो हमारे 20 डेट में हमारा जो हाई स्कूल है, हाई स्कूल का कोई एग्ज़ाम नहीं है, ओनली हमारे किसका है, 12th का है। लेकिन इसी टाइप से हमारे सारे एग्ज़ाम दे हुए हैं सुने ना, कि जैसे हमारा हिंदी का, गणित का, जो आपके इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे 10th क्लास के हैं, 10th क्लास का हमारा 24 का है, 24 का हमारा कहाँ का है, इंग्लिश का है, और गाइज जो हमारी 21 है उसमें हमारा कहाँ का है, विज्ञान का पेपर है। क्योंकि गाइज हमारे लिए 10th बहुत इंपॉर्टेंट है, हम 12th के लिए भी वीडियो बनाते हैं, पर हम अपने इस चैनल पर 10th क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट की वीडियो अक्सर लाते रहते हैं और बनाते हैं, और इस बार भी हम अच्छी प्रोवाइड वीडियो कराएंगे जिससे कि आपके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें। ठीक है, इसी टाइप से देखिए आपके आगे तक ऐसे ही रहेगा। जो आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम है वो आपका 28 को हैगा, क्योंकि 28 में आपका क्या आएगा, मैथमेटिक्स का एग्जाम है, आप इसकी प्रिपरेशन करते हैं। ये हमारा जो चैनल है ये भी मैथमेटिक्स का है, और इस पर हम मैथमेटिक्स की भी रिलेटेड वीडियो सारी लाते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट बार ये आपके जो हमारे 28 था, 28 से गए जो हमारे 29 है, यानी कि जो हमारा 29 का एग्जाम है, जो 31 को है। और गाइज बता दूँ आपके जो एग्जाम चलने वाले हैं वे कब तक चलने वाले हैं। और इस वीडियो में गाइज मैं आपको ये भी बताऊँ कि आपको एग्जाम में क्या क्या चीज़ लेके जानी है, किस टाइम जाना है, और क्या क्या चीज़ आपको नहीं करनी, क्योंकि आपको पता है अब की बार हमारे एग्जाम में बहुत चेंज है, और जो हमारा बोर्ड है उसने एग्जाम का पैटर्न भी चेंज किया हुआ है। अब गाइज सबसे पहले आपको बता दूँ, ये तो आपकी डेट शीट हो गई, ये तो आप देख लेना कि आपको कौन सा पेपर कौन सी डेट में है। अब आपको ये बता दूँ कि आपको एग्जाम में क्या चीज़ लेके जानी है, क्या नहीं लेके जानी, और आपका पैटर्न क्या है। तो गाइस जो आपके अगली बार पेपर का पैटर्न है, वो आपका पेपर का पैटर्न दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, क्या है, दो पार्ट में डिवाइड है, नंबर फर्स्ट में 20 नंबर और नंबर सेकंड में हमारा 50 नंबर। अब जो गाइस ये 20 नंबर है और जो ये 50 नंबर है, गाइस जो 20 नंबर है, 20 नंबर जो हमारे हैं वह हमारे MCQ है, गाइस क्या है, MCQ है, और जो हमारा ये 50 नंबर है गाइस ये हमारे थ्योरेटिकल है, क्या होंगे गाइस ये हमारे थ्योरेटिकल अब की बार होने वाले हैं। गाइज आपको बता दूं, ये जो MCQ है ये आपके परसेंटेज में बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाले हैं, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग आपकी जो परसेंटेज है वो बहुत इंक्रीज होगी और बढ़ सकती है, तो आप अपने MCQ को अच्छी तरीके से कर जाएं। ठीक है गाइज, और हमारी वीडियो को देखें, आपके अच्छी परसेंटेज आएगी, और हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको सही वीडियो सही टाइम पर मिल जाए। ठीक है गाइस, थैंक यू।